तो यार मैं तो आप सबको भी यही कहूंगा, मौसम ना चेंज हो रहा है, सारे के सारे अपना अपना ध्यान रखो। तो देखने में हल्की है खाली, बहुत सारी है। ओ भाई साहब, ये खड़े खड़े ना वहीं पर टायर दब गया ना, जहाँ पे खड़ी थी वो वहीं खड़ी रह गई ना। यहाँ आता था मैं एल्विश के साथ ना चिकन रोल खाने, सबसे पहले वही हमें लेकर आता याद है। आम बंदा जब व्यूज के लिए टाइटल थंबनेल में उसके माँ बाप की फोटो लगा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो यार। लोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि स्टार्ट ही नहीं हुआ है। पानी की टैंकी भर गई है, जो हमारे घर की पानी की टंकी भर जाती है तो ये बैल बोलती है। और कोको बाहर किसको देख रहा है, साधना गई है नीचे सब्जी लेने के लिए। अभी एक दिन तक और ऐसे ही लगा रहेगा, डॉक्टर ने कहा है, जब तक ये पूरा ठीक नहीं हो जाता ना। और आमिर भाई तबीयत कैसी लग रही है आज? बढ़िया। ठीक है पहले से पक्का? टाइम हो रहा सुबह के 12:30। सबको गुड 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 मॉर्निंग कोको, गुड मॉर्निंग। ये देखो आज कोको का दोस्त उसको आवाज भी मार रहा है, तब भी कोको नहीं आ रहा, अंदर बैठा हुआ आराम से वो बैठा हुआ। आज इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसको किसी से भी नहीं मिल रहा। कोको के दोस्त कितने बड़े बड़े हो गए हैं, छोटे छोटे से थे लेकिन ये डरते हैं हमसे ना, अभी भी हमारे पास नहीं आते। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह की शुरुआत हुई है नारियल के लड्डू से, समीरन लेकर अपने घर से। और आपको बता दूँ आज का हमारा सीन क्या, पहले लड्डू खा लूँ फिर बताता हूँ, बहुत टेस्टी है। ये खा लो इससे ठीक हो जाओगे। मैंने मेडिसिन खाई। मेडिसिन खाई है पक्का? ये लड्डू है, मैंने खाना ना। दवाई है ये भी? नहीं। पक्का नहीं खाना? साधना लड्डू खाया तूने? नहीं खाया, ये ले खा। ले खा ले मेरे हाथी खा ले। अबे खाया ना नारियल का लड्डू है, बता कैसा है? वो समीरन लेकर आया, अच्छा है देखा? अच्छा है भाई, मैंने भी खाया, अच्छा है। दूं एक? नहीं। पक्का? लो भाई फिर से गुड मॉर्निंग, लड्डू हमने खा लिया। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की फिर से एक नई वीडियो में। आज का हमारा शेड्यूल क्या है ना, हम क्या करने वाले, जो हमारी एटीवी खड़ी है ना जीजू के घर में, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इंजन वाइज ओके है, पेट्रोल लीक करता है, बॉडी पूरी गल चुकी है, रेस की तार टूट चुकी है, मतलब ऐसी हो चुकी है चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसको हम दोबारा से मॉडिफाई करा के रीस्टोर करके एकदम बढ़िया तरीके से रेडी करने वाले हैं। तो आज उसको लेंगे, डिफेंडर में रखेंगे, कहीं छोड़ कर आएंगे, एक दो हफ्ते लगेंगे रेडी होने में, उसको अपने गैराज में ऐड कर देंगे। जीजू कह रहे मेरे को नहीं चाहिए, तू इसको रख। तो मैंने बोला ठीक है, इसको मैं रेडी करा तो अपने गैराज में रखूंगा। और इतनी सुंदर बनाएंगे ना इसको, आप बोलोगे भाई बाइक गाड़ी तो हम सुंदर बनाते ही हैं, लेकिन ये वाली एटीवी आप देख लोगे, आप बोलोगे वाह मज़ा आ गया। इस घर में क्या हुआ पता नहीं, सब सो रहे हैं सब। और अगर मैं आपको टाइम बताऊं, टाइम देखो कितना हो रहा है, 3 बजने वाला है, 3 दोपहर के 3। बाय बेचारा इसमें से देखता कैसे है। चल भाई बाय बाय आमिर, आमिर आज घर पे रेस्ट करेगा, हम निकल रहे 3:30 बजे। चलो भाई चलो चलो, लेट्स गो। धूप तो आज तगड़ी है वैसे देखा जाए तो। देखो यार मैं तो आप सबको भी यही कहूँगा, मौसम ना चेंज हो रहा है, सारे के सारे अपना अपना ध्यान रखो, क्योंकि बदलते मौसम में जो तबीयत खराब होती है ना वो ज़्यादा दिन खींच लेती है। मेरी भी पिछले 3-4 दिन से हालत ऐसी थी, ठीक हो रहा था, खराब लग रहा था, फीवर चढ़ रहा है उतर रहा है। अभी आमिर भाई के साथ ऐसा हो रहा है पिछले 2 दिन से, मैंने उनको बोला आप घर पे आराम ही करो, हम जाके अपना काम निपटा के आते हैं। तो आप सबको भी यही सलाह है, थोड़ा ध्यान रखो, खाना पीना अच्छा रखो, डेली फ्रूट्स खाओ, कॉर्नफ्लेक्स खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, दूध खाओ, दही खाओ, पनीर खाओ, जिससे शरीर भी ठंडा रहे दही से, बढ़िया चीज़ें खाओ और ठीक रहो बस। ये देखो गर्मी का प्रकोप, कैमरा अपने आप ही गिर गया है, सामने से सीधा धूप पड़ रही है ना। ओ भाई साहब एसी चला रहे एकदम फुल पे, ले पेट्रोल भी नहीं है, गाड़ी में बैठते ही पहले 10,000 रुपये का पेट्रोल डलवाओ।
अब हमारी गाड़ी की सुई उछलते हुए ऊपर भागेगी। हाँ देख रहा हूँ, जीरो देख रहा हूँ। नॉर्मल नॉर्मल पेट्रोल 5000। बिल्कुल 10 किलोमीटर था बस, सिर्फ 10 किलोमीटर। थोड़ा आगे तक जाते इसको तो धक्का भी ना लगा पाते, क्रेन ही आती इसको लेके जाने के लिए। ओके थार नहीं खड़ी घर पे, आई थिंक जीजू घर पे नहीं है। ये क्यों भोंक रहा है, इसमें हमारी गाड़ी नहीं बचानी, यही लगा देना, रखने में आसानी होगी। सीधा यहाँ से निकाल के गाड़ी में घुसा देंगे। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे दोस्त? बारी बारी दोनों से मिलना है इसको। कोई आया नहीं है घर पे? खुल जा खुल जा। मेरे को लग रहा है इसके टायर भी डालने पड़ेंगे नए। आज तो तेरे को हमने बताया नहीं फोन करके हमारे, तू तैयार कैसे है? पूरी तैयार शर होके बैठी हुई है। क्या हाल है? तो अभी मैंने इसकी वीडियो भेज दी आगे, अगर वो कहेंगे लेकर आओ हो जाएगी। अरे ये भारी कितनी है भाई? 1000 रुपया। तेरी तो बहुत भारी है। तू क्या खा रहा है? ये क्या है, चीनी वाले चावल, चीनी वाली रोटी है ना? चल भाई दिखा दे जान, तोला दिखा। ओ भाई साहब, रहने दे, समीर नहीं अकेले ही उठा लेगा। अभी बॉडी बाकी है थोड़ा। अच्छा अभी बचा है, अभी थोड़ा बचा है। चले भाई। ओ भाई साहब, ये तो देखने में हल्की है, खाली बहुत सारी है। वो देखो क्या। ओ भाई साहब, ये खड़े खड़े ना वहीं पर टायर दब गया ना, जहाँ पे खड़ी थी वो वहीं खड़ी रह गई ना। इस साइड से भी, इस साइड से भी है बहुत ज्यादा है। देख देख रहा बिल्ली, देख रहा है। हाँ जान दे जान दे। ओ भाई पिलो गंदा हो गया, पिलो गंदा हो गया, थोड़ा तो कुछ भी नहीं पिला। बंद हुआ? हाँ हो जाएगा मेरे ख्याल से बंद। जा रहे क्या, रेगुलर जा रहे क्या जिम? नहीं बीच बीच में जा रहा है। हमने साथ में जिम शुरू करा था, मेरा तो छूट गया, इसका चल रहा है बीच बीच में। मैंने चेंज ही कर लिया, जिम चेंज कर लिया। बाय 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 दीदी, बाय बाय सबको, बाय बाय तू, तेरे को ही बाय बाय। कितना अच्छा लग रहा है ना, इसको तैयार कराने लेके जा रहे हैं। अगर ये तैयार हो गई ना बढ़िया, अगर क्या हम लेके जा रहे तो तैयार तो होगी होगी, फिर इसको हम लेकर जाएंगे ऐसी गाड़ी में रख के, या तो मिट्टी में या बर्फ में। हाँ। वहां चलाने मजा आएगा। दिल्ली की रोडों पे तो बहुत बंदे चलाते हैं, इसको लेकर जाएंगे पीछे रख के ना, और वहां चलाएंगे। और इसकी आवाज, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी ना 2-3 साल पुरानी, तो आपको इसकी आवाज पता होगी, बड़ी सही है। 2 स्ट्रोक पा, 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 पा। जैसे RX 100 की आती है ना, लगभग लगभग वैसी। इतने सारे बंदों को देख के ना अपना ऑफिस टाइम याद आ जाता है। हमारा भी जैसे रिसेस होता था भागते थे हम पैटी वैटी खाने के लिए, कभी कुछ खाने के लिए। अरे 1-2 महीने सॉफ्ट करके देखेंगे और दोबारा से। वैसे मैंने सीजी सर को बोला था कि कोई जैसे ऑफिस में पार्टी वगैरह होती ना होली की दिवाली की, तो मैं आना चाहूंगा। कह रहे जब मर्जी यार, तेरा ही ऑफिस है, तो एक दिन जाऊंगा आपको अपना पूरा ऑफिस दिखाऊंगा, अंदर से दिखाऊंगा। बंदे तो काफी चेंज हो गए हैं, कुछ पहले वाले भी हैं, जो पहले वाले होंगे उनसे मिलवाऊंगा, जो चेंज हो गए होंगे उनसे मिलूंगा। मतलब पुराने वाला फील आएगा ना, मेरे को अच्छा लगेगा। भगवान जी कम से कम हाईवे तक तो पहुंचने देते, ये तो अपनी गली से बाहर निकले वहीं फंसे हुए हैं। यहाँ इतना ट्रैफिक है तो हाईवे पे कितना होगा? हाईवे पे खड़े रहेंगे, जा ही नहीं पाएंगे आगे। ये देखो पूरा पुल ही जाम पड़ा हुआ है, बस से खड़ी है ना। इतना ट्रैफिक, मतलब इतना लोग कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, ऑफिस से छुट्टी हुई है इनकी अभी, लेकिन अपने को यहाँ नहीं जाना, अपने को यू टर्न मार के उस साइड जाना है आज। अगर दिल्ली जाते तो आज हम पहुंच ही ना पाते, मेरे को ऐसा लग रहा है। इतनी तगड़ी पानी की प्यास लग रही थी ना, मुंह सूख रहा था। यहाँ से वैसे हम बिरयानी खाते, लेकिन अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, मतलब अभी ताजे ताजे ठीक हुए हैं। भाई इसमें से भी गैस निकल रही पानी की, तो से भी सॉफ्ट सोडा है पानी, पता नहीं कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है। पी के देख एक बार, पी के देख, पानी जैसे टेस्ट है ना। तो अभी हम जिस लोकेशन से निकल रहे हैं ना, यहाँ आता था मैं एल्विश के साथ ना चिकन रोल खाते, सबसे पहले वही हमें लेकर आता याद है।
तो हम यहाँ से निकल रहे, फिर दिमाग में वही घूम रहा था। और पिछले 2-3 दिन से ना मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, मतलब मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता था क्योंकि देखो जो होना है वो होना है। अगर उसने कुछ उल्टा किया होगा तो सजा मिलेगी, नहीं किया होगा तो बाहर आ जाएगा। लेकिन भाई मैंने वो मीडिया वाला इंटरव्यू देखा, उसके मॉम डैड वाला, क्या अक्ल ही नहीं है मीडिया वालों को भाई, ऐसे कौन क्वेश्चन पूछता है। मतलब वो रो रहे हैं सामने वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, और ऐसे अजीबोगरीब क्या होता क्या जा रहा है यार। सोशल मीडिया को, न्यूज चैनल को व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया तो आप एक टाइम के लिए सोच सकते हो, लेकिन नॉर्मल बंदे को देखो ना भाई, व्यूज के लिए लोग कहां तक, किस हद तक गिर सकते हैं। मतलब मैंने ये भी देखा, न्यून मैन हो गया, न्यूज बॉय हो गया, इनका काम है न्यूज देना। हाँ। ठीक है, जो भी मार्केट में हो रहा है, भले वो बॉलीवुड रिलेटेड हो, यूट्यूबर रिलेटेड हो, इन्होंने बताने ही बताना, उनका मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आम बंदा जब व्यूज के लिए टाइटल थंबनेल में उसके माँ बाप की फोटो लगा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो यार। पता क्या, ये सिचुएशन ना मैंने झेली हुई है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तब लोगों ने इतनी उंगलियां उठाई थी, मेल मेरी शॉप पर आते थे पूछने के लिए, दुनिया भर की वीडियो मेरे ऊपर, मेरे पेरेंट्स के ऊपर, मेरे फादर रो रहे थे, कोई यूट्यूबर दुकान पे पहुंच गया था, पापा रो रहे हैं, वो वीडियो डाल दी उन्होंने। ये फीलिंग ना मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स पे क्या बीतती है। तब मैं कस्टडी में था 1 महीने के लिए, जब तक मैं हॉस्पिटल में था ना, पुलिस वाले बाहर ही बैठे रहते थे। वो फीलिंग एग्जैक्ट मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है, उसके पेरेंट्स पे क्या बीत रहा होगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो बंदे ये कर रहे हैं ना, मत करो। अगर उनके पेरेंट की तरफ से कोई इंटरव्यू बाहर आता है, आने दो, वो कुछ कह रहे हैं वो सुनो, लेकिन तुम अपना ज्ञान मत दो फालतू का। और जबरदस्ती उसके पापा मम्मी को थंबनेल में लगा रहे हो, एल्विश को थंबनेल में लगा रहे हो, भाई ये चीजें ना व्यूज कमाने का वो नहीं होता। हम लोगों को लगता है कि हाँ भाई चैनल डाउन जा रहा है, चलो ठीक है एल्विश की फोटो लगा दो, इस पे तो पता व्यूज आएंगे। लेकिन सामने वाले की तरफ से आप सोचोगे ना कितने परेशान होंगे उसके घर वाले, ये मैं समझ सकता हूँ। मेरे घर वाले उस टाइम इतना परेशान थे ना भाई, रोते थे, मेरे को फोन करते थे, बेचारे उसके घर वाले तो बात भी नहीं कर पा रहे होंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा, मत करो ये सब। और अपना कंटेंट भाई, इतना बढ़िया कंटेंट अगर आप चला रहे हो, तो अगर चला रहे तभी तो यूट्यूब में हो, बिल्कुल तो उसको चलाओ, उसको चलाओ, जबरदस्ती किसी को मत खींचो। जो होना है देखो, कोर्ट है, पुलिस है, वो कभी गलत नहीं करेगी। अगर कुछ सही होना है वो सही होगा, अगर कुछ बुरा होना है वो होगा, अगर कुछ उल्टा करा होगा सजा मिलेगी, कुछ नहीं करा होगा तो अपना भाई वापसी आएगा। लेकिन ये भसड़ मत फैलाओ, व्यूज के लिए ये सब चीजें मत करो। और पता नहीं ये मीडिया को क्या हो गया, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रही थी यार, मतलब देख के ना मेरे को अंदर से दिल ऐसे ऐसे हो रहा था, क्या पागल है क्या। उसके मम्मी पापा रो रहे हैं, और उनकी शक्ल में ना मैं अपने मम्मी पापा को देख रहा था कि मेरे मम्मी पापा उस टाइम किस हालत में थे। तो बस रिक्वेस्ट है, मेरे को कोई टाइटल थंबनेल में कुछ एल्विश नहीं डालना, मैं व्यूज के लिए नहीं कर रहा भाई। करना होता मैं भी 3-4 दिन से वीडियो बनाया था, हाँ भाई एल्विश के साथ ये हो गया वो हो गया, भाई अच्छे व्यूज आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे होते ना तब भी ये हरकत मैं कभी ना करूं। मतलब दूसरे के चूल्हे पे रोटी सेकना इसको कहते हैं कि हाँ भाई एक बंदा परेशान है, अपने को अपनी रोटी सेकनी है, ये काम मत करो। ठीक है छोड़ो, जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझ में आएगी वो कभी नहीं समझ पाएगा। अरे ये बस सामने आ गई, ये हटती ना आपको दिखाता, भाई क्या बिल्डिंग बना रखी है, लग रहा है माचिस की डिब्बी है अभी साइड से ना। तो थोड़ी गाड़ी और साइड निकल के साइड में ऐसे करेंगे आग लग जाएगा, आग लग जाएगा। अब देखो ये बिल्डिंग कैसी लग रही है, इकलौता पेड़ खड़ा सामने, फूल ही फूल, ऐसा लग रहा है ना कि मोर है। हाँ देखने में लग रहा है जैसे मोर है, पंख फैले हुए हैं नीचे जाके और ज्यादा फैले हुए हैं। लो जी लो, अब पहुंच गए हम, ऐसा लग रहा दिन में निकले थे, यहाँ पहुंचते पहुंचते रात हो गई है, 6:42। पहले टाइम चेंज करूंगा यार, एक तो 18:42 लिखा होता है ना, पहले समझने में आधा घंटा लग जाता है। बड़ी गाड़ी में से छोटी गाड़ी निकलेगी, जा सिम सिम, बस छोटे मोटे जाले लगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी गाड़ी ओके रिपोर्ट है, टायर खराब है बाकी कुछ नहीं है, गाड़ी ओके रिपोर्ट है, स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता बाकी ओके रिपोर्ट है, पेट्रोल लीक होता है बाकी ओके रिपोर्ट है, टायर गए हुए हैं, टायर गए हुए हैं, ओके रिपोर्ट है। अभी आपने ये देख ली ना, अब जब हम वापसी जो लेकर जाएंगे एक बार वो दिखाता हूँ, वो भी यहाँ पर है, वापसी कैसे लेके जाएंगे हम। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी एटीवी छोड़ के जा रहे हैं, वापसी कैसे लेके जाएंगे। टायर भी चेंज हो जाएंगे ना उसके? हाँ ये टायर नए डालेंगे। सुंदर लग रही है ये, तो मैं इनको कह रहा हूँ एक बार ये स्टार्ट करके दिखा दो, मज़ा आ जाएगा।
इसकी आवाज़ सुनोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि स्टार्ट ही नहीं हुआ है। स्टार्ट है एक्चुअली, हमारे वाले का साइलेंसर फटा हुआ था ना, इस वजह से ऐसी आवाज़ आ रही थी। फटा ही रहने देना। और अच्छा डाल दे एक्सपेंशन चेंबर। हाँ डाल सकते हैं, आवाज़ चाहिए कुछ। हाँ मज़ा आए, पावर भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पावर भी बढ़ जाएगा, आवाज़ भी। ये तो आवाज़ ही नहीं है। और अब यहाँ पर आया ही हूँ तो आपको एक बेहतरीन चीज़ और दिखाता हूँ नॉलेज के लिए। मतलब काफ़ी बंदों के लिए काम की नहीं है, लेकिन जितने बंदे बाइक चलाना चाहते हैं, ट्रैक पे चलाना चाहते हैं, उनकी नॉलेज के लिए। ये देखो, ये ट्रैक बाइक के अभी टायर चेंज करे इन्होंने, ठीक है, सिक्स आ रहा है ये। बताओ, हाँ टायर चेंज करके पुराने टायर क्यों डाल दिए? पुराने टायर इसलिए डाल दिए, अभी बताता हूँ। ये देखो, इस पर पुराने टायर डाल दिए इन्होंने ना, देखो बिल्कुल ही ख़त्म है, एकदम प्लेन। और छेद अलग हो रखे हैं इसके अंदर, एक छः दो तीन चार, हाँ कील वील घुसा होगा। अब मैं आपको बता दूं, ये नए टायर हैं और ये कितने का सेट है, 65,000 रुपये का ये सेट है। और ये जो छेद देख रहे हो ना आप इसके अंदर, ये छेद का मतलब है, इससे पता लगता है टायर कितना ख़त्म हो गया और कितना बचा हुआ है। तो सोचो ट्रैक पे बाइक चलाना कितना महंगा पड़ता है। यही अगर 1000 cc की बाइक होती तो एक ट्रैक पे चलती, लेकिन ये 6 आ रहा है इसलिए 2 या 3 ट्रैक कवर कर लेगी इन्हीं टायर में। 65,000 रुपये का सेट, मेरे 1250 में डलता है 42,000 रुपये का सेट, उसी में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अब दोनों टायर खत्म है, 42,000 उसमें लगने ही लगने हैं। उसमें मेरे को ऐसा हो रहा है कि टायर डलवाने बाई चांस ट्रैक पे चलाऊँ तो। और वो जो आप चेंज कराओगे, हाँ, वो चलेंगे अच्छे खासे चलेंगे वो? हाँ वो अच्छे खासे, वो 14-15 हज़ार का ढंग से चलाऊंगा तो, ढंग से नहीं चलाऊंगा भगाऊंगा ऐसे रैश चलाऊंगा तो 12-12 हज़ार तब भी चलेंगे। लेकिन ये तीन ट्रैक गए, 65,000 रुपये खत्म, एक दिन में खत्म। इसलिए कहते शौक की कीमत नहीं होती भाई। ये देखो, ये टायर है घिसने के बाद, यहाँ से कलर देखो ऐसा लग रहा है रेनबो बन गया अगर ध्यान से देखोगे ना, और छेद गायब हो गया इसके अंदर, पूरे टायर में कहीं पर भी वो छेद नहीं है। ये रे नज़र आया, ये रहा बिल्कुल एंड में आ गया है ही नहीं, प्लेन हो गया है। तो जहाँ तक मेरे को पहले लगा था ना कि ATV में टाइम लगेगा 1-2 हफ्ते मैक्सिमम, लेकिन वो कह रहे कम से कम 3 महीने मान के चलो, क्योंकि इसका सामान मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और जैसे मेरे को रेडी करवानी है ना, आपको तो पता ही है अपनी चीज़ उनची एकदम परफेक्ट, कि कभी भी चलानी हो सिंगल किक में स्टार्ट हो जाए, इंजन वाइज ओके, बॉडी लाइन ओके, टायर ओके, हैंडल ओके, नीचे जो जंग लग रहा था वो सारी चीज़ें ओके। लेकिन मैंने उनको बोला आवाज़ मेरे को थोड़ी तेज चाहिए, जैसे आपकी ATV की है ना वैसी नहीं चाहिए, कहीं से निकले तो पता लगे कोई चीज़ जा रही है। और अभी अपने को हल्की हल्की भूख लग रही है, मेरे को बाहर का खाना नहीं है, लेकिन हल्का सा खा लूँगा, मतलब ये खा लेगा इसके में से हल्की सी बाइट मैं ले लूँगा और उसके बाद फिर घर निकल जाएंगे। आमिर को भी देखना है ना, टाइम से घर पहुंच जाएंगे। आमिर भी सुबह से सो ही रहा, अभी उसको फ़ोन किया मैंने, बोला भाई क्या हाल चाल, भाई सो ही रहा हूँ। मैं चल ठीक है, तू नींद पूरी कर, आते फिर तेरे साथ लूडो खेलेंगे बैठ के। और हट जाओ भाई, हमारी गाड़ी निकल गई, हमने सोचा आपको दिखाते हैं, एक मिनी कूपर ग्रीन कलर की, ऊपर से इलेक्ट्रिक, मतलब गाड़ी भी ग्रीन, नंबर प्लेट भी ग्रीन, सब कुछ ग्रीन। अब पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी हाँ, ये जा रही है, जा रही है तो इलेक्ट्रिक ही ना, इलेक्ट्रिक पे पावर होती है लेकिन भाई। ये देखो ये जा रही, अच्छी लग रही, लेकिन सुंदर लग रही है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर पुराने सॉन्ग, और वो समीरन के आगे लेने के लिए यहीं पर आते थे एलविश भाई और मैं ना खाने के लिए, उन्होंने सबसे पहले यहाँ खिलाया था। अब याद आई है तो हमने सोचा खा ही जाते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके, यही जॉब करते हैं आप? हाँ यार, एमएक्स में रहती। आप भी? यस। सारे मेरा भी छोटा सा यूट्यूब चैनल है। अच्छा, क्या करते हैं आप? ट्रैवल व्लॉग बनाती हूँ मैं भी। तो ऑफिस के साथ टाइम मिल जाता बनाने का? नहीं मिलता ना, आई एम नॉट अ रेगुलर लाइक यू, मैं आपके तो बहुत देखती हूं। या तो जॉब बंद कर दो या ट्रैवल बंद कर दो, ट्रैवल नहीं बंद कर सकते। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। अच्छा लगा मिलके। नेक्स्ट क्या है आपका ट्रिप, कहाँ का है? देखो उनको तो मैं मजाक में कह रहा था, लेकिन आपको बता दूं, अगर आप जॉब कर रहे हो साथ में व्लॉगिंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया डिसीजन है। जब तक व्लॉगिंग से आप उतना नहीं कमा लेते, मतलब जॉब से अगर आप 50,000 कमा रहे हो, व्लॉगिंग से जिस दिन आप 30-40,000 कमाने लग जाओ ना, कुछ छोटा अमाउंट, तब आप जॉब छोड़ने की सोचो, उससे पहले मत सोचो। मेरे को बहुत सारी मेल आती है कि भाई हम जॉब कर रहे थे, हमने पढ़ाई छोड़ दी, हमने ये छोड़ दी, हमने कॉलेज छोड़ दी, हमने व्लॉगिंग शुरू कर दी, चैनल चल नहीं रहा, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। वो इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। मैं भी जॉब करता था, मैंने 7 साल जॉब करी है, 5,000 से 70-80,000 रुपये मेरी सैलरी हो गई थी। जब मेरे को लगा ना कि हाँ भाई सैलरी से ज़्यादा मैं यूट्यूब से कमा सकता हूँ, तब मैंने जॉब छोड़ी, नहीं तो ये गलती मैं कभी ना करता कि मेरी सैलरी 70,000 और यूट्यूब से मैं कमा रहा हूँ 5-10,000, मैं कभी जॉब ना छोड़ता। लेकिन मैंने देखा अच्छी खासी अर्निंग मैं कर रहा हूँ, तब मैंने जॉब छोड़ी। तो कोई भी ये गलती मत करा करो, जो काम कर रहे हो वो साथ साथ करते रहो, उसके बाद सोचो कि हाँ भाई अब हम अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, उसके बाद सोचो कि आपको जॉब छोड़नी है। चलो भाई, चीयर्स।
और यहाँ देखो रोल खाते खाते अपने को अपने भाई भी मिल गए। कैसे हो? ठीक हो एकदम? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? एकदम बेहतरीन आपकी तरह। चलो भाई चेयर सर, लोग कोल्ड ड्रिंक का चाय का चेयर करते हैं, हम रोल का चेयर करेंगे। चेयर्स चेयर्स भाई। देखो भाई हमने क्या किया है ना, आमिर के लिए पैक करवा लिया है, अब खाए ना खाए, बाय चांस वीडियो देखेगा फिर बोलेगा मेरे लिए नहीं लाए। हमने पैक करा लिया है, खा लेगा तब भी ठीक है, नहीं खाएगा तो हम तो है ही। अभी अपने को ना थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है तो हल्का फुल्का खा सकते हैं। वैसे मम्मी ने भी ये वीडियो देखी ना, पक्का मम्मी का मेरे को फोन आना है। मम्मी ने कहा था कम से कम एक दो हफ्ते बाहर का मत खाइयो, तुम लोग बहुत बाहर का खाते हो, इसकी वजह से भी तबीयत हो सकता है खराब हो जाए। तो मैंने उनको वादा तो किया था, 3 दिन का किया था ना, 3 दिन तो कंप्लीट हो गए थे, कल आज चौथा है। तो मम्मी देख लेना, सॉरी सॉरी शक्तिमान। कुकू कैसे हो? टोपी पहन के घूम रहे हो? अभी 2 दिन आपको टोपी और पहननी है। बेचारा सूंघ भी नहीं पाता, देख कैसे सूंघ रहा है टोपी के अंदर से। हाँ टोपी के अंदर से। ले आजा आजो आओ, टोपी इसलिए तो आ रही है, सूंघा सूंघी कर लो फिर पहना दूंगा। अच्छा प्रीति घर के बाहर वो काले वाला डॉग मिला था ना, इसलिए ऐसे सूंघ रहा है ये। हमारे घर का सभी बच्चा कहाँ गया? आमिर, वो आमिर कहाँ है? आमिर गायब है, भाग तो नहीं गया बाइक लेके? आज उसको भाई घर निकलना था, मैंने मना करा, मैं घर मत जा तबीयत खराब है तेरी, नहीं सुबह निकल जाऊंगा। सुबह उठ के पूछा कर, हाँ भाई तबीयत खराब लग रही है। अब साधना बता रही है बाहर घूम रहा है कहीं। ओ ये बैठा, ओ भाई साहब ये बैठा हुआ वो देखो, और वहां से देख रहा आवाज नहीं मार रहा है। मैं यहाँ हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा, आवाज निकल ही नहीं रही। और आज घर जाना ना, फिर रास्ते में बीमार होता तो? अभी ठीक लग रहा नहीं लग रहा है? देखो भाई कोको का तो सोने का टाइम हो चुका है और हमारा भी सोने का टाइम हो ही रहा है। और जो हम रोल वोल लेकर आए थे आमिर भाई के लिए, आमिर भाई टेस्टी था नहीं था? सच्ची वाला बताना है, था ना बढ़िया? वेज रोल अच्छा था। क्या वेज रोल अच्छा था? वेज रोल हमने वहां दिखाया खाते हुए भी और वही पैक कराते हुए भी, घर आते आते वेज तो हो नहीं जाएगा। ये ना खुद ही फंस जाते अपनी बातों में। वेज रोल देख रहा तू, वेज रोल वहां हमने चिकन खाया, आपके सामने चिकन पैक कराया, घर आते आते इसमें क्या आलू आ गए हैं? वेज था मेरे लिए, आपको तो पता है मैं वेज हूं। प्योर वेजिटेरियन हो ना आप? चलो ठीक है, इसी बात पे इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आमिर भाई आज से प्योर वेजिटेरियन, कहीं भी आपको ये चिकन फिश खाते हुए दिख जाए आपने गुद्दी से इनको पकड़ना है और दो बार और दो बार दीवार पे टक्कर मारनी है। कैसे? ऐसे पकड़ के तैड़ तैड़, ठीक है ना? पक्का? नहीं। अबे हो या नहीं हो वेज, मेरे को तो इनका समझ ही नहीं आता। आज कहते शादी है, कल कहते नहीं है, आज कहते मैं वेज हूँ, अब अगले दिन कहते मैं नॉन वेज। चलो ठीक है यार, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आया होगा। जब हमारी एटीवी तैयार होकर आ जाएगी ना, उस दिन जो आपको मजा आने वाला है, आप बोलोगे वाह भाई वाह कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। यहाँ तक वीडियो देख लिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जो मन करे वो करना। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, होना इज़ बाय 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 आमिर भाई, बाय बाय सबको, बाय बाय। इतना मूड स्विंग क्यों होता है पता नहीं, इतना मैं मतलब... इसका आंसर मेरे पास है लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग दो। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।